दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और घंटे के बेल आइकन को दबा लो ताकि आप घंटा भी कुछ मिस ना कर पाओ। आज हम जानेंगे मार्किंग औजार पंच के बारे में, जो कि मार्किंग पक्का बनाने के काम आता है। दोस्तों पंच का प्रयोग हैमर की सहायता से मार्किंग की गई लाइनों को यानी बिंदु पॉइंट को लगाकर स्थायी करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जॉब को बनाते समय अंतिम समय तक दिखाई देती रहे। इसकी देह बॉडी अष्टभुजाकार अथवा बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल बनाकर नर्लिंग कर ली जाती है। इसके मुख्य भाग हेड, देह, बॉडी तथा पॉइंट होते हैं। ये हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं तथा इसके पॉइंट को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। इनका साइज इसकी पूरी लंबाई और व्यास से प्रकट किया जाता है, जैसे 50 × 12.50 मिलीमीटर। दोस्तों इसके भाग देख लेते हैं। ये तो होता है हेड, ये इसकी बॉडी हो गई जो कि नर्ल की गई है, और नीचे ये हो गया इसका पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं कार्य के अनुसार पंच के प्रकार। दोस्तों कार्य के अनुसार पंच 9 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रिंग पंच, नंबर 2 डॉट पंच, नंबर 3 सेंटर पंच, नंबर 4 पिन पंच, नंबर 5 ड्रिफ्ट पंच, नंबर 6 स्विचलिक यानी ऑटोमेटिक पंच, नंबर 7 बैल पंच, नंबर 8 सॉलिड पंच, नंबर 9 होलो पंच यानी खोखला पंच। आइए देखते हैं इन सबके बारे में। नंबर 1 रिंग पंच, इसका पॉइंट कोण यानी पॉइंट एंगल 30 डिग्री पर ग्राइंड करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग मार्किंग लाइनों को पंच मार्क करके स्थाई करने के लिए किया जाता है। इसकी देह षटभुजाकार अष्टभुजाकार की या गोलाकार सिलेंड्रिकल आकार की नर्लिंग की गई होती है। ये हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं तथा इनके पॉइंट को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। इसका उपयोग मुलायम धातुओं जैसे तांबे, पीतल, एल्यूमिनियम और माइल्ड स्टील के जॉब पर मार्क की गई लाइनों को पॉइंट लगाकर स्थाई करने के लिए किया जाता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों डॉट पंच। यह प्रिंट पंच और सेंटर पंच के समान होता है। यह 6 मिलीमीटर व्यास के षटभुजीय, अष्टभुजीय अथवा बेलनाकार नर्लिंग किए हुए हाई कार्बन या ढलवा इस्पात कास्ट स्टील से बनाया जाता है। इसका पॉइंट कोण 60 डिग्री पर ग्राइंड करके बनाया जाता है। इस पंच का उपयोग किसी जॉब पर मार्किंग की हुई लाइनों तथा डिवाइडर द्वारा खींचे गए वृत्तों के केंद्रों की स्थिति अंकित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सेंटर पंच। यह 60 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर व्यास के षटभुजीय, अष्टभुजीय अथवा बेलनाकार देह नर्लिंग किए हुए हाई कार्बन स्टील या ढलवा इस्पात यानी कास्ट आयरन से बने होते हैं। इनका पॉइंट कोण 90 डिग्री पर ग्राइंड करके बनाया जाता है। इस पंच का उपयोग जॉब या धातु में छेद होल करने से पहले उसका सेंटर लगाने तथा गोल छड़ों को लैथ मशीन पर खरादने, टर्निंग करने से पहले सेंटरिंग करने के लिए, इसके फेस पर गहरे पॉइंट लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पिन पंच। यह पंच सेंटर पंच के समान ही होता है, परंतु इसके एक सिरे पर एक चपटी फ्लैट गोल सतह होती है। इनका उपयोग टेपर पिनों अथवा क्वार्टर पिनों को छेदों से निकालने में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ कोई क्वार्टर पिन लगी हुई है, तो उसको निकालने के लिए पिन पंच का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट ड्रिफ्ट पंच। दोस्तों यह पंच भी पिन पंच के समान ही होता है, परंतु इसके निचले सिरे पर एक चपटी गोल या अंडाकार सतह होती है। इस पंच का उपयोग छेदों को फिनिश करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्वचालित पंच यानी ऑटोमेटिक पंच। इस पंच की बेलनाकार देह सिलेंड्रिकल बॉडी खोखली होती है। इसमें एक कमानी यंत्रावली होता है जिसकी सहायता से आघात प्रदान किया जाता है। इस पंच को काम में लेते समय बिंदु को जॉब या कार्य वस्तु ठीक स्थान पर रखकर पंच के शीर्ष को नीचे की ओर दबाया जाता है, जिससे अंदर की कमानी दबती है। इसमें कमानी के दबाव से स्ट्रेकर मुक्त हो जाता है और पंच के निचले बिंदु को आघात प्रदान करके केंद्र अंकित करने में समर्थ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इस पंच के प्रयोग में हैमर की आवश्यकता नहीं होने के कारण समय की बचत होती है तथा परिशुद्धता भी प्राप्त होती है। इसका प्रयोग परिशुद्ध कार्य पर मार्किंग करने,
के लिए किया जाता है। इसका पॉइंट कार्य के अनुसार 60 डिग्री या 90 डिग्री के कोण पर होता है। इसके द्वारा यदि कम गहरा निशान लगाना हो तो कैप को घुमाकर ऊपर कर दिया जाता है तथा अधिक गहरा निशान लगाना हो तो कैप को नीचे कर दिया जाता है। कैप की बाहरी सतह नर्लिंग की हुई होती है तथा इसके अंदर स्प्रिंग होती है। दोस्तों ये अपना पेन जो आता था ना उस टाइप की ये निब लगी होती है ऊपर, इसको दबाते हैं और ये निशान अंकित कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बैल पंच। यह गोल छड़ो यानी राउंड रोड के केंद्र निकालने या मार्क करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके आगे का भाग घंटी के आकार का होता है तथा इसके घेरे का साइज निर्भर करता है। इसके बीचों बीच एक पंच लगा होता है जिसे एक स्प्रिंग पीछे से धकेल कर रखती है। ये आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये बैल पंच है, ये कोई शाफ्ट है और ये घंटी के आकार की इसीलिए बोला जाता है इसको, ये घंटी के आकार लिए हुए होता है जिससे ये आसानी से ये दोस्तों गोल छड़ों का केंद्र निकालने में भी काम आता है। नेक्स्ट देखते हैं ठोस पंच यानी सॉलिड पंच। यह पंच सीट में सुराख करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके द्वारा जो छेद किए जाते हैं वह साइज के नहीं होते, इसलिए इसका उपयोग रफ कार्यों के लिए किया जाता है। इस पंच से छेद निकालते समय चादर के नीचे नट रखना आवश्यक होता है। इसका विशेष उपयोग शीट मेटल तथा ब्लैक स्मिथ कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं खोखला पंच यानी होलो पंच। इस पंच का उपयोग मुलायम शीट यानी सॉफ्ट सील में सुराख करने में किया जाता है। ये पंच अंदर से खोखला होता है तथा छेद के अनुसार कई साइजों में मिलता है। इस पंच के द्वारा गत्ता, चमड़ा, गैस्केट, सीट, नरम अलॉय धातुएं आदि में छेद निकालने में किया जाता है। धन्यवाद।